अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज चुका है। विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आने के बाद ये पहला छात्र संघ चुनाव होगा। छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र छात्राएं काफी उत्साहित हैं। खासतौर पर फ्रेशर छात्र छात्रा अपने छात्र नेता चुनने को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। विश्वविद्यालय कैंपस आपको बता दें कि इन दिनों चुनावी रंग में रंगा हुआ है। दिन भर परिसर में चहल पहल देखने को मिल रही है, जहां एक और छात्र प्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद कैंपस में शैक्षणिक के माहौल ठीक करने, कैंपस को वाईफाई से लैस करने, खेल मैदान को सुधारने समेत कई बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर परिसर में वर्तमान में मौजूद खामियों पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि आगामी 24 दिसंबर को विश्वविद्यालय में चुनाव कराए जाएंगे। वहीं छात्र संघ चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद छात्र प्रतिनिधियों ने भी प्रचार तेज कर दिए हैं। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। सेमेस्टर की छात्रा हूँ तो हमारे वहाँ देखा जाए तो ऐसे क्लासेस एकदम क्लीन टाइप की नहीं है। वहाँ चेयर टेबलें भी एकदम मतलब क्लीन सी नहीं है, कहीं पे कीले निकली है, कहीं कुछ निकला, और वहाँ की जो सफाई होती है अच्छी नहीं है। यहाँ कंप्यूटर्स भी कम कम है, तो हम चाहेंगे जो हमारे पदाधिकारी या जो भी बने वो सबसे पहले हमारे वहाँ काम करें, हमारा जितना भी वहाँ एरिया है उसका वहाँ पे चीज़ों को सबसे पहले जोड़ें, जो कि सबसे पहले चीज़ों की बहुत कमी है। 3 साल बाद छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं। छात्र समुदाय में बहुत ज़बरदस्त जोश है और पूरा छात्र समुदाय एक बहुत अच्छे तरीके से छात्र संघ चुनाव को निपटाने की तैयारी कर रहा है। और हमें भी, मैं खुद इस बार अध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ और मैं पूरे अपने साथियों के साथ कह सकता हूँ कि हम एक जबरदस्त जीत दर्ज करेंगे और छात्र राजनीति के इतिहास में एक नया इतिहास बनाएंगे। छात्र संघ की चुनाव की तैयारी पूरी है और 24 तारीख को छात्र संघ का चुनाव होना है और इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत 40 जो महाविद्यालय हैं और 3 हमारे परिसर हैं और छात्र संख्या 40,000 के आसपास है।